जी हाँ मित्रों, पिछले 3 विधानसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में जो कांग्रेस की विजय हासिल हुई है उससे कांग्रेस में नई जान आ गई है और कांग्रेस के कार्यकर्ता तथा कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी तथा उनके सभी जो पुरानी दिग्गज नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्रीमती सोनिया गांधी, सबके चेहरे खिले हुए हैं और डिफेंस मिनिस्टर AK एंटोनी साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब और बड़े बड़े जो नेता कांग्रेसी थे उनके एकदम चेहरे खिले हुए हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो नैया थी उसको पार लगाने वाले सदी के महानायक, मध्य प्रदेश के महानायक श्री श्री कमलनाथ जी का श्रेय जाता है। कमलनाथ जी ने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खेमे में 114 सीटें गईं। वहीं बीजेपी भी 109 सीटें लेकर के ज़्यादा अंतर से पीछे नहीं, 5 सीटों से अंतर में है। तो सुना ये भी जा सकता है कि किसी समय जो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं उनके सपोर्ट में जो निर्दलीय और बसपा के विधायक, सपा के विधायक जो हैं वो कभी भी वहाँ से पाला बदल सकते हैं और वो बीजेपी के सपोर्ट में कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि नाराज़गी इस बात की हो सकती है कि जो ये छोटे दलों के नेता जो कांग्रेस को सपोर्ट किए हैं तो उनकी नाराज़गी इस बात की हो सकती है कि उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री में शामिल नहीं किया गया, उनको मिनिस्टर नहीं बनाया गया, इससे वो नाराज़ हो सकते हैं और वो फिर वहाँ से सपोर्ट खींच सकते हैं। सपोर्ट खींचने से कांग्रेस को फिर माइनॉरिटी में आना हो सकता है और भविष्य में फिर पुनः बीजेपी की सरकार सत्ता में आ सकती है और वहाँ माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान पुनः मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो सकते हैं। यही चीज़ राजस्थान में भी है। राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा अंतर कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, फिर भी कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई और कांग्रेस की सीटें बीजेपी से अधिक हैं। यही छत्तीसगढ़ में हुआ, वहाँ भी कांग्रेस की सीटें अच्छी आई हैं। तो ये माना जा रहा है कि ये जो सेमीफाइनल है वो लोकसभा 2019 के चुनाव का सेमीफाइनल है, जैसे कि सेमीफाइनल कांग्रेस ने जीता है। अब स्ट्रेटजी बनानी होगी बीजेपी या NDA सरकार को, ये बनानी होगी कि किस तरह से 2019 में अपनी अच्छी खासी बढ़त जिस तरह से 2014 के चुनाव में बढ़त बनाई थी वही बुलंदी के साथ उतरे और उत्तर प्रदेश में जो 73 सीट्स थीं बीजेपी की, कम से कम वो 73 सीट्स बचा के रखे और बढ़त करनी चाहिए। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश की सीट मुश्किल इसलिए मैं महसूस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सपा और बसपा का गठबंधन हो चुका है। माननीय श्री अखिलेश जी और सुश्री मायावती जी जो बसपा की अध्यक्ष हैं दोनों की तालमेल अच्छी हो रही है और ये जो तालमेल है ये बीजेपी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए इस बीजेपी को चाहिए कि वो अपनी ऐसी स्ट्रेटजी बनाए, ख़ास तौर से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ये बीजेपी सरकार पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन, GPF कम ओल्ड पेंशन, फैमिली पेंशन को तत्काल लागू कर दी, अध्यादेश लागू कर ला करके पुरानी पेंशन बहाल कर दी सभी के लिए, तब एक मिरेकल आगे चल के हो सकता है। क्योंकि सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं जिस ग्रुप में भी हैं वो NDA सरकार से नाराज़ इसलिए हैं कि 2004 में NDA सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये पुरानी पेंशन बंद करी थी। तो यदि बीजेपी सरकार 2019 में भारी बहुमत के साथ आना चाहती है तो मेरा ये मानना है, ये मेरी ओपिनियन है कि बीजेपी सरकार को चाहिए
कि जितने कर्मचारी हैं सरकारी कर्मचारी, जितने सरकारी कर्मचारी हैं और 2004 के पहले जिनको पेंशन मिलती थी, उनको कम से कम उनको पेंशन अवश्य बहाल कर दे, और जो नए सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी पुरानी पेंशन बहाल कर दे, तभी ये उन 2019 का जो लोकसभा का चुनाव है, आम चुनाव, वो दिलचस्प हो सकता है और बीजेपी सरकार के खेमे में बहुत बड़ी बढ़त हो सकती है। यदि ऐसा करने में एनडीए सरकार सक्षम नहीं होती है तो हो सकता है 2019 का चुनाव कांग्रेस यदि सरकार न बनाए तो बीजेपी को या एनडीए सरकार के लिए मुसीबत अवश्य खड़ी कर सकती है। इसी आशा के साथ मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।